नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सीबीआई और ईडी को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में बवाल मचा, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, हर जगह हम सब ने देखा कि किस तरीके से विपक्ष इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लेगा। लेकिन जब बात मनीष सिसोदिया की आती है, जब बात सीएम अरविंद केजरीवाल की आती है, जब बात संजय जी की आती है, तो थोड़ा सा बात चुभ जाता है कि दिल्ली सरकार जब इतना अच्छा कर रही है तो फिर उन पर ये शिकंजा क्यों। ये कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय जी का कहना है। संजय जी मोदी सरकार के घोटाले की कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, उनकी जाँच की मांग कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है, उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारे जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से, एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि यह जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, यह मोदी जी का पैसा है, यह मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। यह देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी, यह देश के एक एक गांव में आवाज पहुंचेगी, एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसलिए यह आम आदमी पार्टी है, यह अरविंद केजरीवाल है। जिस अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, बिजली पानी का मॉडल दिया, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया, काम किया, देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े, वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया।
तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है, देश के हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद, ये नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, ये गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम लड़ाइयां, ये संघर्ष, केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई, समय समय पे आई, बहुत कार्रवाइयां हुई इनके खिलाफ। कभी सीबीआई का छापा दफ्तर पे मार दिया, कभी मंत्रियों को गिरफ्तार किया, कभी विधायकों को गिरफ्तार किया, न दिल्ली की जनता का काम रोका, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रोकी, और ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या मुख्यमंत्री? देखिए ऐसा है कि नोटिस अभी मिली है और 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई, नरेंद्र मोदी जी ने जो महाघोटाला किया है अपने दोस्त की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगा के, उस लड़ाई को कोई अब रोक नहीं पाएगा। ये चाहे जितनी नोटिस की धमकी, गिरफ्तारी की धमकी, चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन अब देश के सामने इस महाभ्रष्ट सरकार के, महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री का सच बताने की मुहिम जारी रहेगी। सर, आप लोगों ने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं बीजेपी के अगेंस्ट में, कौन सा मुद्दा ऐसा था जिसके कारण आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी को? मोदी के दोस्त की कंपनी में मोदी का लाखों करोड़ का काला धन, यही तो बोला था दिल्ली की विधानसभा में अरविंद जी ने। और उसी दिन मैंने कह दिया था, अरविंद जी ये आपने जो सच उजागर किया है, ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी, ये सच उनको बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तो पिछले 3 दिनों से बताया किस तरीके से ईडी की पूरी झूठी कार्रवाई चल रही है। आज अरविंद केजरीवाल को नोटिस आ गया, तो क्यों आया? क्योंकि बहुत सारी चीजें परत दर परत करके उन्होंने विधानसभा में जो भाषण दिया था उसमें समझाया था, बताया था कि सारा का सारा काला धन नरेंद्र मोदी का पैसा है, नरेंद्र मोदी का, मोदी की दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन ये किसी और का नहीं है, नरेंद्र मोदी का पैसा है, नरेंद्र मोदी का। अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए अपनी आर्थिक सत्ता भी नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। तो यही मामला है, और क्या मामला है? देखा आपने, संजय जी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अडानी का स्कैम हुआ, दम है जो मोदी सरकार की एजेंसियां वहां जाकर जांच पड़ताल करेंगे, दम है कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, दम है कि बीजेपी नेताओं के करप्शन की जांच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब संजय जी के सवालों का जवाब देखिए दर्शकों, मेरे पास तो है लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मोदी सरकार अगर दे दे तो ज़्यादा फायदा होगा, लोग समझ भी पाएंगे कि चलिए इस मसले पर बात कर पा रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार इन चीज़ों से भाग क्यों रही है? सबसे अहम सवाल है कि आखिर इससे कब तक भागती रहेगी? सबसे अहम सवाल है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे वो क्यों भागते जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जो आप हम सब समझना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक अफसोस की बात है कि इस पर कोई जवाब आया ही नहीं है। दर्शकों, आपको इस पर क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज़। नमस्कार।